देवरिया से आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट SC/ST एक्ट के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। सवर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडेय जी को SC/ST एक्ट तहत फर्जी मुकदमा दर्ज। सर्वेश पांडेय जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग रोकने लिए सरकार उठाए ठोस कदम। नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी हमने पोस्ट भी डाला है, मैं सर्वेश पांडे सौर आर्मी चीफ, मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया गया है। 20 अप्रैल को रात में 2 बजे थाना प्रभारी पैकपुर ब्रजानंद सिंह अपने 8 पुलिसकर्मियों के साथ मेरे घर पर आते हैं, बिना किसी सूचना के मुझको वहां से उठा ले जाते हैं। रास्ते में कहते हैं कि अगर ज्यादा नेतागिरी करोगे तो SC/ST एक्ट, गैंगस्टर गुंडा एक्ट और बलात्कार का केस लगवा दूंगा। मेरा 3.5 लाख फॉलोअर वाला फेसबुक पेज अकाउंट डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद जब सुबह थाने का घेराव होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग थाने पर पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया गलती हो गई, हम जान नहीं पाए थे, वहां से छोड़ देते हैं। आज तक ना मुझे कोई सूचना दिए, ना कोई FIR कॉपी दिए। 2 तारीख को जब मेरे पास एक सिपाही का फोन आता है कि CO साहब आपको बुलाए हैं, और मैं कहता हूं कि मैं 3 तारीख को बर्थडे है, 4 तारीख को जाऊंगा, और 4 तारीख को जब मैं वहां पर जाता हूं तो पता चलता है मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो भाइयों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हमने हमेशा सौर समाज की लड़ाई लड़ी है, आज आवश्यकता है कि आप लोग मेरे लिए लड़ें। मैं इसलिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, मैं इसलिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे जो फर्जी फंसाया गया है, तो ऐसे फर्जी फंसाने वालों के ऊपर कार्यवाही कब होगी और कैसे कार्यवाही होगी। मेरे पास तमाम सबूत हैं और प्रूफ हैं जिसमें यह साबित होता है कि फर्जी फंसाया गया है। 19 तारीख को मैं राजा रिहा गया था, जहां पर एक 13 साल की लड़की की हत्या की गई थी रेप करने के बाद। उसके बाद मैं वहां से आया, सोम सिंह के घर पर गया। वहां से आने के बाद जब मैं घर पहुंचा, रात के 11 बज गए और 6 बजे की यह घटना दिखा रहे हैं कि मैंने चौराहे पर गाली गलौज किया और मारपीट किया। मेरे फोन का लोकेशन निकलवाया जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर मैं निर्दोष हूं तो यह समझ लीजिए कि मैं सर्वेश पांडे इतने बड़े संगठन का अध्यक्ष हूं, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है तो तमाम अन्य सौरों के साथ कैसा किया जाता होगा। बस ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, यह 2 मिनट का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस अन्याय के खिलाफ हमें आर पार की लड़ाई लड़ना है, चाहे जो हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।